मांझी लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बरकरार रखने के उद्देश्य से मांझी थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में कई सख्त निर्णय लिए गए। सीओ सौरभ रंजन ने कहा, कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान किसी तरह का जुलूस निकालने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार है। पदाधिकारियों ने कहा, सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। बैठक में मुखिया मुन्ना शाह, सरपंच धनेश शाह, पूर्व उप प्रमुख रामकृष्ण सिंह, पूर्व मुखिया दलन प्रसाद यादव, विजय सिंह, अख्तर अली, इमरान खान और शंभुनाथ सिंह आदि दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद थे। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। आज जो ये बैठक बुलाई गई है, ये पहला बैठक है किसी चुनाव के रिजल्ट से पहले। अभी तक आज हम नहीं देखा था कि चुनाव के रिजल्ट से पहले इस तरह की कोई बैठक का आयोजन हुआ। आयोजन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, इसी को तो देखना है। चंद लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आज पूरे बिहार जिला को बदनाम करके छोड़ दिए, वैसे लोगों से सावधान रहना है। आपके साथ बैठे हैं और एक तो पिन मार देंगे, कुछ बोल करके चले जाएंगे, आग लगाकर चले जाएंगे। वैसे लोगों के पास बैठना नहीं है। अगर आपसे वो लगता है कि मजबूत है और किसी तरह की बात करता है तो आप धीरे समाज से हट कर चले जाइए, उसका जवाब मन दीजिए, आ करके प्रशासन को सूचना दीजिए। कहीं कहीं हमारे लोग कोई भी हो कमजोर पड़ता है, कोई दबंग अपने को कुछ ज्यादा करने की कोशिश करता है, उसकी बात को मत सुनिए। वो जानबूझकर कुछ झगड़ा करने वाले लोग होते हैं, जान करके झगड़ा करने चाहते हैं। सभी लोगों ने बहुत से रिजल्ट देखा होगा, मुखिया सरपंच से लेकर जिला परिषद से लेकर तमाम विधायक एमपी का रिजल्ट देखा होगा। अभी किसी ने कहा कि जो लोग जाके बैठते हैं, एक साथ नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, एक ही कैंटीन में लोग खाना खाते हैं, और इधर अपने को सोचना है कि हमने वोट दे दिया, ऐसी व्यवस्था है यहाँ हमारे यहाँ हमारे देश में, ऐसी व्यवस्था है कि एक दूसरे के बिना कोई काम चलने वाला नहीं। नेता लोग ही वोट के लिए किसी तरह का बात छेड़ देते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो देखिए सबसे पहले किसका जन्म होने जरूरत पड़ता है, उससे बड़ा होते हैं शादी ब्याह में जाते हैं तो हमारे यहाँ पानी भरने वाला का काम है, डोली वाला काम है, बैंड बाजा वाला काम है, पंडित जी का काम है, हजाम भाई का काम है, हर तरह के लोग, किसी के यहाँ से मऊ आता है, किसी के यहाँ से हल्दी आता है, किसी के यहाँ से कुछ आता है। तो उस मिलत को बरकरार रखने के लिए भाषण उत्सव की जगह नहीं है, वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए, उसे दूर भेजिए, उनको कुछ करना नहीं है, किसी नेता के पास नहीं जाएंगे, लेकिन बैठ के बोलबाजी कर रहे हैं, हम इतना कर देंगे, हम उतना कर देंगे, ये मिठाई बनाता हो इतना के ऑर्डर ले लो, बगली में 10 रुपया नहीं खे, दूसरे के 5 रुपये खा के खा ले, लेकिन 1 क्विंटल मिठाई के बहना देता रहे, 3 क्विंटल मिठाई की, तो वैसे लोग तो उठा नहीं है भाई। सामने प्रशासक के लोग बैठे हैं, मैं कहता हूँ ये जो उर्ध्वर्दी बनी है, मिली है इन लोगों को, ये भी बड़ी तपस्या के फलीभूत मिली है, इन पर भी समाज की बहुत बड़ी जवाबदेही है, और थोड़ा सा भी यदि इन लोगों के अंदर ईमानदारी होगी, अपने कर्तव्य के प्रति ये लोग जिम्मेवार होंगे, तो कहीं कोई किसी प्रकार की गलती भी इन लोगों से नहीं होगी। और हम क्योंकि देश हमारा और देश में बिहार का अतीत बड़ा ही गौरवशाली अतीत रहा है, हम बिहार से देश और दुनिया को ज्ञान दिया करते थे, लेकिन लगता है कालांतर में हम कहीं भटक गए, नहीं तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। गणतंत्र का सबसे बड़ा ज्ञान बिहार ने दिया है। तो मित्रों, मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है, और प्रशासन में रहने वाले लोग चाहे समाज के जवाबदेही निर्वहन करने वाले लोग, सब लोग अपनी अपनी जवाबदेही का ईमानदारी से निर्वहन करें, तो कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। मांझी का अपना इतिहास रहा है बड़ा बाबू, मांझी थाना है मर्दाना, मर्द बनाया सावलिया, आजादी के समय में भी मांझी ने अग्रगणी भूमिका अदा किया। इसलिए मैं सबसे निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, और सब लोग ईमानदारी से प्रशासन का सहयोग करें, कहीं कोई लगता नहीं है कहीं कोई कठिनाई होगी। ये वो तो नहीं बोले, लेकिन हम उनके
कि यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है करे करे अच्छे से हम लोग रहेंगे, लेकिन जो नहीं करेंगे तब क्या, या जो चाहेंगे कि हम कुछ करें, कोई बदमाशी करे या किसी तरह आग लगाए कुछ करे। मैं यही बोला आप लोग वैसे लोगों को ये है ना मैसेज पहुंचा दें कि हम लोग छोड़ेंगे। बहुत गुड, ठीक है। इतना धारा लग सकता है वो लगाएंगे और बर्बाद कर देंगे, क्योंकि अगर हमारे नौकरी पे कुछ खराब होता है तो हम उसको पूरा बर्बाद करके छोड़ेंगे। हर निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती।